हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि वाइटल साइंस का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम लोग वाइटल साइंस के ऊपर 3 वीडियो बना चुके हैं, बॉडी टेम्परेचर के बारे में, पल्स के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड एगेंस्ट द वॉल ऑफ हार्टबीट। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर ब्लड का एक प्रेशर होता है जो कि ब्लड की आर्टरीज के अंदर होता है, जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है। जब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड का जो फोर्स यानी कि जो प्रेशर होता है, वो ब्लड की आर्टरीज के अंदर जो वाल होता है उसके ऊपर बढ़ता है, जिससे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ए हेल्दी एडल्ट इज 120/80 mmHg। एक हेल्दी एडल्ट का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट एंड पासेस ब्लड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है। उस ब्लड फ्लो का प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और सिस्टोलिक प्रेशर हाइस्ट प्रेशर होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। व्हेन द हार्ट इज इन रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल की कंस्ट्रक्शन के जस्ट पहले जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि रेस्टिंग पीरियड में होता है, उस टाइम आर्टरीज के अंदर होने वाला प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि लोएस्ट प्रेशर होता है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के सिवा और एक प्रेशर होता है, जिसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच की जो डिफरेंस होता है, उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर इज 35 mmHg टू 45 mmHg होता है, और एवरेज पल्स प्रेशर इज 40 mmHg। बीपी अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक मर्क्यूरी स्पिग्नोमीटर के द्वारा, जिससे स्टेथोस्कोप की जरूरत होता है, और दूसरा है डिजिटल बीपी मशीन के द्वारा हम ब्लड प्रेशर देखते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट यूनिट इस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसे हम सिंबलिक वे में mmHg लिखते हैं। साइट्स ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर कौन कौन से साइड में ले सकते हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज, अप्लाई कप ओवर द ब्रैकियल आर्टरी 2 इंच एबव द एंटीक्यूबिटल फोसा। अपर एक्सट्रीमिटीज में हम ब्रैकियल आर्टरी साइड में ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, और कप को एंटीक्यूबिटल फोसा से 2 इंच ऊपर डालेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज, अप्लाई कप जस्ट एबव द नी और ओवर द पॉपलिटियल फोसा। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम पॉपलिटियल आर्टरी में ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, और कप को पॉपलिटियल फोसा से 2 इंच ऊपर डालेंगे। बीपी कप साइज, एज के अनुसार बीपी कप का साइज कितना होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ए सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 to 139 mmHg और ए डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ 80 to 89 mmHg इज कंसिडर्ड प्री हाइपरटेंशन। अगर एक इंसान का सिस्टोलिक प्रेशर 120 से लेकर 139 mmHg तक और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से लेकर 89 mmHg तक रहता है, उसका मतलब उस पर्सन का हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 mmHg और हायर।
हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg और उससे ज़्यादा होने से हम उसे हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन इज ए ब्लड प्रेशर लोअर देन 90/60 mmHg। हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से नीचे होने से हम उसे हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसे हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। व्हेन बीपी इज सडनली डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजिशन, ए पर्सन लेइंग पोजिशन से स्टैंडिंग पोजिशन आने से उसका बीपी फॉल यानी कि डिक्रीज कर जाता है और इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। और ये कितना बीपी फॉल करता है? सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज एटलीस्ट 20 mmHg और डायस्टोलिक बीपी डिक्रीज एटलीस्ट 10 mmHg विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज 93.3 mmHg और उसका फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है? फर्स्ट हम बात करते हैं डिजीज। लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज, डायबिटीज और एपनिया, ये सब कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज। एज में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। बच्चे की तुलना में ओल्ड एज के पर्सन की बीपी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर। फीमेल्स का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है देन मेल, और ये कब तक होता है? जब तक फीमेल्स मेनोपॉज तक नहीं पहुँचाते। मेनोपॉज वो कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जब फीमेल मेनोपॉज एज यानी कि 40-45 एज तक पहुँच जाता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज हो जाता है मेल्स कंपेरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबेसिटी। कोई पर्सन ओबेस यानी कि मोटा होने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट। फूड इनटेक के बाद हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और ये क्यों है? कुछ टाइम के लिए हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। हार्मोन्स की वजह से, ज़्यादा सॉल्ट इनटेक की वजह से, एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से, फिजिकल फैक्टर जैसे कि आफ्टर एक्सरसाइज सडनली हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ताकि हमारा जो टिश्यू है उनके पास जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंच जाए। इसलिए एक्सरसाइज के बाद हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब के कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल इंटेक की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कैफीन यानी कि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ डेज। सुबह सुबह ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है, आफ्टरनून में मैक्सिमम ज़्यादा होता है, देन शाम को दोबारा थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एज, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, इलनेस, मेडिकेशन, ये वजह से हाइपोटेंशन यानी कि हाई बीपी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है। बर्न की वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वोमिटिंग वजह से, डायरिया वजह से हमारा बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है, जिसके वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। मेडिकेशन जैसे कि बीटा ब्लॉकर लेने से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, और ये सारे फैक्टर हमारा ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। डोंट टेक बीपी ऑन ए क्लाइंट्स आर्म। इफ कौन से कंडीशन में हम आर्म से बीपी नहीं ले सकते हैं? द आर्म हैज एन आईवी इन्फ्यूजन। आर्म में कुछ आईवी इन्फ्यूजन हुआ है, इंजर्ड आर्म और डिजीज। आर्म में कुछ इंजरी और कुछ डिजीज हुआ है। साइड ऑफ रेडिकल मास्टेक्टोमी, और रेडिकल मास्टेक्टोमी की साइड से हम बीपी नहीं ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।